हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्लोब को हम कैसे पढ़ें, ग्लोब में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सामान्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ग्लोब से संबंधित। तो हमारे पास में एक ये ग्लोब है, अक्सर सभी लोगों ने इस ग्लोब को देखा होगा। ये पृथ्वी का एक मॉडल है और जिस तरीके से इस ग्लोब में हमें पृथ्वी दिखाई देती है, वास्तव में हमारी पृथ्वी इतनी जो है, जो इसकी सतह है ये चिकनी है, लेकिन वास्तव में इतनी चिकनी नहीं है इसकी सतह। यदि हम बात करें तो जो संतरा होता है, संतरा के ऊपर यदि हम हाथ फेरें तो वो थोड़ा सा हमें खुरदरा महसूस होता है। तो इस तरीके से भी हमारी पृथ्वी के ऊपर कहीं झील है तो कहीं पहाड़ी है। तो पृथ्वी जो है वास्तव में ना तो बिल्कुल गोल है और ना ही इतनी चिकनी। ये ग्लोब जो है एक उसका मॉडल है पृथ्वी का, और जिसकी सहायता से हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। ये चीज़ तो सभी लोगों को। दूसरी चीज ये है कि यदि हम पृथ्वी को बीचों बीच से यदि हम काट दें, उसके दो हिस्से कर दें, मान लीजिए हमने नींबू लिया और उसको बीच से काट दिया, तो एक हमारे पास में हिस्सा आता है, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। तो जो ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब गोला जो रहता है उसका आधा हुआ। तो आधा जो हिस्सा रहेगा उसे हम ऊपरी हिस्से को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और आधा जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे दक्षिण गोलार्ध। ये हो गई हमारी गोलार्ध की बात। अब यदि हम उसको खड़े में काट दें तो ये पूर्वी हो गया और एक पश्चिमी हो गया। अब जहाँ से हम पृथ्वी को काट रहे हैं, बीचों बीच से जहाँ से हम काटते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट सर्किल होता है, सबसे बड़ा सर्किल। यहाँ से हमने इसको बीचों बीच से यहाँ से काट दिया। अब जहाँ से हम इसको बीच के वाले पॉइंट से जहाँ से हम इसको काट रहे हैं, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा डाली गई है जिसे ही हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। हमने पृथ्वी को यहाँ बीचों बीच से एक लाइन डाली तो इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से जब हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक और काल्पनिक रेखा हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा से ठीक 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, इसे ही हम बोलते हैं कर्क रेखा, या इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम विदिशा से होते हुए भोपाल जाते हैं तो दीवानगंज जो है एक सिटी है, वहां पर दीवानगंज के लगभग 1-2 किलोमीटर पहले ही भोपाल से पड़ती है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ है, वहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कर्क रेखा परिक्षेत्र। तो कर्क रेखा परिक्षेत्र जो है जहाँ जहाँ से भी निकली है, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जिलों से, वो भारत के जितने भी राज्यों से, तो वहाँ पर ये काल्पनिक एक रेखा डाली गई है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। अब चूँकि हम कर्क रेखा के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम ग्लोब के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दूसरी बात ये कि जब हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो हमें कर्क रेखा प्राप्त होती है, और भूमध्य रेखा से जब हम 23.5 डिग्री नीचे की ओर आते हैं तो वहां पर हमें एक और रेखा प्राप्त होती है जिसका नाम है मकर रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर यदि हम चलें तो वहां पर हमारे लिए प्राप्त होती है मकर रेखा। अब यहाँ से जब हम भूमध्य रेखा से 1-1 डिग्री पे यदि हम सर्किल बनाएं तो लगभग जो है हमारे 1 डिग्री पर यहाँ, 1 डिग्री पर यहाँ और 1-1 डिग्री यहाँ करते हुए यहाँ पर जो है 90 सर्किल जो है इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सर्किल होगा ये 0 डिग्री लाइन भी कहलाती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 90 सर्किल ऊपर और 90 सर्किल नीचे, तो टोटल जो है हमारे पास में 179 179
जो है इस तरीके की रेखाएं प्राप्त होती है। अब 179 क्यों? क्योंकि बार बार प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उसमें 180 दिया होता है, 182 दिया होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसको 180 पे लगा देते हैं। लेकिन ये जो बीच वाली जो 0 डिग्री रेखा है, ये ऊपर वाले सर्किल में भी काउंट हो रही है और नीचे वाली सर्किल में भी काउंट हो रही है, इसलिए जो है टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 180 ना होके 179 मतलब 179 ये अक्षांश रेखाएं हम लेते हैं। अब ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाओं की बात। अब दूसरी यदि हम बात करें इन खड़ी रेखाओं के बारे में, जो हम ग्लोब पर देखते हैं ये खड़ी रेखाएं क्या होती हैं, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। तो यदि हम देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री पर यदि हम पूरे ग्लोब पर खींचें तो इस तरीके से हमें 360 जो है सर्किल इस तरीके से प्राप्त होती है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं। अब देशांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता हो? तो देशांतर रेखाओं की आवश्यकता इसलिए है कि देशांतर उसके शब्द में ही उसका जो है आंसर हमें मिलता है। देशांतर रेखा का मतलब है सामान्यतः कि दो देशों के बीच का जो समय का जो अंतर है उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारा भारत का जो टाइम है वो प्लस 5.5 घंटे दिखाता है, यदि आप लोगों ने घड़ी में देखा होगा। न्यू दिल्ली अलग अलग जो है देशों के जो टाइम रहता है वो अलग अलग रहता है, तो हमारा जो टाइम है वो प्लस 5.5 घंटा जो है उसमें दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम जो है प्लस में है, कई देशों का जो टाइम रहता है वो माइनस में। तो अब इस समय का निर्धारण कहाँ से होता है? समय का निर्धारण होता है ग्रीनविच लाइन से। एक यहाँ पर ग्रीनविच लाइन है, वहाँ से जो है सभी देशों का समय का निर्धारण होता है, टाइम का निर्धारण होता है। तो हर एक डिग्री में जो है 4 मिनट का अंतर होता है, वो एक अलग चीज़ है। उसको जब हम बारीकी से जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे तब वो हम अलग अगली वीडियो में जो है बताने की कोशिश करेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो जितनी डिग्री का अंतर जिस देश में होता है और उसका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है उसका अनुपात निकाल के जो उस देश का पर्टिकुलर देश का जो समय मान ज्ञात किया जाए। ये बेसिक बातें जो हैं ग्लोब की जो हमने आज इसमें देखी और समझी। पहली चीज़ ये कि जब हम पृथ्वी को बीच से काटते हैं तो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं त्रिगोलार, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणगोलार। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, दूसरा ये हो गया दक्षिण। और पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और अपनी कक्षा में भी घूम रही है, घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और अपने एक्सिस पे भी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और अपनी कक्षा में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जो है ग्लोब की जो सामान्य बातें हैं उसको जानने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे हैक विद NST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।